राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? सो आज हम जा रहे हैं एक अवार्ड शो में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है चैनल वन ने, एक शाम जम्मू की शानों के साथ। सो तब तक आप सब लोग व्यू एंजॉय करें और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करें। सो गाइस, ये है मम्मा और ये है रेखा मैम और अमायरा भी है। सो गाइस, अमायरा बहुत जिद कर रही थी कि उसे भैया के घर जाना है, इसलिए हमने अमायरा और मम्मा को भैया के घर छोड़ा और अब हम जा रहे हैं वेन्यू पर। ये गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो चलो जल्दी से उतरते हैं। सो अभी हम उतर गए हैं और ये है रेखा मैम और आप देख सकते हैं ये है पूरी व्यू। सो चलो चलते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, हमने फिर अपनी एंट्री करवाई और फिर एंट्री कराने के बाद हम अंदर आ गए। And here this is KC Rengalia in Bahu Plaza. Basically, I think this is a railway road, hai na? Wahan pe it was mentioned Bahu Plaza. So we are here. The view is so beautiful, and you can see that the way they have presented this KC Rengalia. सबसे पहले तो आपका वेलकम है और क्या लग रहा है, कितने एक्साइटेड हो, इतने सारे कलाकार आ रहे हैं, क्या हो गया आज की सीजन? सबसे पहले कि मैं तो आपको बहुत जगह से आज के आपने मुझे पे इनवाइट किया है। सो गाइस, फिर हमने लिए स्प्रिंग रोल्स और साथ में ये क्यूट सा छोटा सा समोसा जो बहुत ही टेस्टी था खाने में गाइस, और साथ में ये ब्लूबेरी मोजीतो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, और ब्लूबेरी मोजीतो मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस, टेस्टी नहीं फेवरेट है।
सो गाइस केसी रंगीला अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और आप देख सकते हो कि इधर पे हमारे जम्मू के कितने सारे सेलिब्रिटी स्टार्स गेस्ट आए हैं। हरी सिंह दे पोते आं छुट्टी लेके छोड़ांगे। थैंक यू सो मच। ये था वो सॉन्ग जो छुट्टी के रिलेटेड था। कन्ने गाना कटदा आया, कन्ने गाना कटदा आया, इसी कोड़ी कुन चढ़ाया, नागा मिठा मुँह करवाया, ताई फड़ी फड़ी खिच्चे, सड़ पाइए दे बेया विच, सबे लोग नचे, सड़ पाइए दे बेया विच, सबे लोग नचे। तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गीला करती है तेरे दिल को। रघुनंदन दास गोवर्धन दास वकावले मुझे फंसा के चले गए, फिर बाद में मत बोलना कि बाइबल दारू पीकर हल्ला करता है। थैंक यू सुनील शेट्टी। बाबू जी ने कहा गांव छोड़ दो, मैंने कहा मैं क्यों छोड़ू, हटो करो खुद जाओ। और यार ये तो ऑटो भी नहीं था यार, अपनी फटफटी पे आया हूँ। इसी तरीके से हौसला अफजाई जो है वो कलाकारों की हमेशा करते आते हैं। एक बार जोरदार तालियां होने के लिए गुप्ता जी के लिए। सो थोड़ी बहुत डोगरी जी भी गल करके क्योंकि अस डोगरे आखने शाने कन्ने ते साडे कुछ ऐसे भरा भी हैं जेडे मिठे लोग डोगरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो डोगरे दा मान रखियो, डोगरी में पूरी पहचान रखियो, बखनी ज
जुबान दा शिकार नी बने पूरा इस गले दा ध्यान रखियो डोगरे ओ डोगरी दा मान रखियो डोगरी ने पूरी पान छान रखियो बकरी जुबान दा शिकार पहाड़ी गायिका तो मैंने हर भाषा में काम किया है वो, लेकिन हमारे बसोली साइड की बड्डू बिलावर वहाँ पर पहाड़ी बोली बोली जाती है, हिमाचल में भी बोली जाती है। चमन लहरी जी पहुंचे हैं, चमन लहरी जी का आज एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और एक गाना इन्होंने गाया है। सबके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है और अभी तो मैं फॉलोअर्स कैसे मतलब इतने फॉलो करने वाले आपको लोग हैं, मतलब कि वो तो लोगों को मैं एक्टिंग करती हूँ, लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद है। एक कलाकारों में आपको सम्मानित करने का मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यवशाली समझता। और राहुल जी ने जो रंग बांधा है वो अपने आप में एक अलग है। इस मजाक के बीच में मैं भी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि भाषण देने के बहुत देरी है, बहुत इच्छा दिया। एक छोटी सी कविता लिखता हूँ, गाना मुझे आता नहीं। So guys, फिर हम सब ने लिए ग्रुप फोटो और फिर हमने किया ना लंच। इधर पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था, इधर पे ढेर सारी डेजर्ट्स और भी ढेर सारी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और गाइस फिर साउथ इंडियन में मैंने लिए ये वड़ा और साथ पे इडली जो मैंने पहले ही खा ली, और साथ में डिफरेंट फ्लेवर की चटनी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी गाइस। डेजर्ट्स में मैंने लिए चॉकलेट ब्राउनी के दो पीस जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे गाइस। और फिर उसके बाद मैंने देखी खीर और मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, और ये खीर बहुत ज़्यादा जिगली जिगली सी थी गाइस। और फिर उसके बाद मैंने देखी ये आइसक्रीम के तीन फ्लेवर लगे हुए थे, तो पे चॉकलेट, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी। सो फिर अंकल ना स्ट्रॉबेरी दे रहे थे, तो मैंने कहा अंकल नहीं नहीं प्लीज़ पहले चॉकलेट दो। फिर अंकल ने चॉकलेट दिया, चॉकलेट के दो स्कूप और फिर बटरस्कॉच जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर ओ गिरी गई थी बटरस्कॉच अंकल से गलती से, इसलिए अंकल ने एक स्कूप और डाल दिया जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। डेजर्ट्स तो मेरे फेवरेट हैं। और फिर ये पोस्टर है जिसमें सारे गेस्ट्स की फ़ोटो लगी हुई थी गाइस, और ये मेरी फ़ोटो थी। और ये सारे हमारे जम्मू के सेलिब्रिटीज़, साथ में ही मैं और मेरा प्यारा साबुक के। सो गाइस जैसे ही शो ख़त्म हुआ और हम बाहर आए, इतना अच्छा मौसम हो गया था, हवा चल रही थी और क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे गाइस। पूरा बारिश वाला मौसम हो गया था, मगर अब तक बारिश नहीं पड़ी थी। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तभी भी नहीं पड़ी थी बारिश। और ये है मेरा टोकन ऑफ ऑनर, और साथ में ये है मेरा प्यारा सा रोज बुके। और फिर अब हम जा रहे हैं घर पे वापस, और जैसे ही हमने पापा ने गाड़ी स्टार्ट की तो तब बारिश होना स्टार्ट हो गई और हवा भी चलने लगी और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी। और गाइस आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और देख सकते हो अभी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी, बहुत फिर थोड़ा सा थोड़ी तेज बारिश पड़ने लग पड़ी गाइस। सो गाइस ये मेरा ब्यूटीफुल सा रोज बुकेट, और इसको साइड पर रखते हैं और अब इसे खोलते हैं।
नमस्कार। सो गाइस ये माता वैष्णो देवी की स्टोन पेंटिंग है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी